بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وراودته التي هو في بيتها فسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے عن نفسه ان کی ذات کے بارے میں وغلقت الابواب اور بند کر دیے اس نے سارے دروازے وقالت اور کہنے لگی ہی تلک تجھے پکارتے ہوں ادھر آ قال معاذ اللہ کہنے لگے اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مثوائی بلا شبہ اس میرا رب نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے انہو لا یفرح الظالمون بلا شبہ وہ ظالمین کو کامیاب نہیں کرتا ولقد ہمت بھی وہ عورت بھی یوسف کا ارادہ کر چکی تھی وہم بھیا یوسف بھی اس کا ارادہ کرتے چلے تھے لولا ارآ برہان ربی اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی برہان یعنی دلیل کو کذالک
इसी तरह लिनसरिफ अनहु सूअ वल फहशा, हम फेर देते हैं उससे बुराई को और बेहयाई को। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, यकीनन वो हमारे चुनिंदा मुंतखब बंदों में से हैं। वस्तबकल बाबा, वो दोनों आगे पीछे दौड़े दरवाजे तक। वकद्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और उस औरत ने यूसुफ के कुर्ते को पकड़ा पीछे से। वो अल्फया सैयदहा लदल बाब, दरवाजे पर उन दोनों ने उसके शोहर को पा लिया। कौलत, वो कहने लगी, मा जजा उमन अराद बी अहली का सूअन, क्या सजा हो सकती है उस आदमी को जो आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता हो, बजुज इसके कहीं युस जना, या तो उसको कैद कर दिया जाए, अव अजाबुन अलीम, या तो दर्दनाक उसे अजाब दिया जाए। काला, कहने लगे यूसुफ, ये रावदतनी अन नफसी, उसने मुझे अपनी जात की मेरे जात के बारे में फुसलाया था। वह शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, और उसके घर वालों में से गवाही देने वाले ने गवाही दी। इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन, अगर फटा हो उसका कुर्ता आगे से, क्या फसदकत, तो वो औरत सच्ची है। वहुव मिनल काज़िबीन, और यूसुफ झूठों में से। व इनकान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर यूसुफ का कुर्ता फटा हो पीछे से, फकदबत, तो वो औरत झूठी है। वहुव मिनस सादिकीन, और वो सच्चों में से है। फलम मार आ कमीसहु, और जब हजरत यूसुफ के कुर्ते को देखा, कुद्द मिन दुबुरिन, वो पीछे से फटा हुआ था। काला, कहने लगे, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, बिला शुबा ये तुम्हारे मकर में से है। इन्न कैदकुन्ना अजीम, बिला शुबा तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। यूसुफ आरिद अन हाजा, ए यूसुफ इससे एराज मत करो, छोड़ दो। वस्तग़फिरी लिज़म्बी की, और ए तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। इन्नक कुंत मिनल खातिईन, यकीनन तू खता करने वालों में से है। ये पूरे वाक़िए की तफसीलात अल्लाह ताला शानहु ने इन आयात में बयान फरमाई है। पहले अल्लाह ताला शानहु ने अपने एहसानात बयान फरमाए, और एहसानात को बयान करने के बाद आगे अब किस्से की शुरुआत फरमा रहे हैं। आप जानते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में से काफ़ले वालों ने उठाया, उसको मिस्र ले गए, और मिस्र ले जा कर के वहाँ पर अज़ीज़ मिस्र के हाथों उसको बेचा। और अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ जो 7 साल की उम्र के थे, अपने घर ले आए और अपनी बीवी से यूँ कहा कि तू उसको अच्छे तरीके से संभाल के रखना। लेकिन जो अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को उस लड़की का माँ बनाया था, अब वही आशिक बन गई, हज़रत यूसुफ पर मफ्तून हो गई, दीवानी हो गई, और अलग अलग तदबीरों के ज़रिए से, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग लबो लहजे के ज़रिए से यूसुफ को बहुत फुसला रही थी, लेकिन उनके दाव में नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते थे। और आखिरी मरतबा हिम्मत करके देखा कि अब अज़ीज़ मिस्र भी नहीं है, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर घर में कोई एंटर भी होने वाला नहीं है, मैं हूँ और तन्हा यूसुफ है। और मुद्दतों मुझे तो इसका इंतज़ार था कि वो कब आए, मेरे करीब हो और मेरी ख्वाहिश को और मेरे तकाजे को पूरा करें। मौका मिल गया उसको, यूसुफ को समझाया और कहा कि हाई तलक, इधर आओ, मैं तुझे बुरा रही, मेरी ख्वाहिश को और मेरी दिली मुराद और दिली चाहत को पूरा कर। मेहनत करते करते अपने इंतहा तक यूसुफ को ले गए। जब ये बात सुनी
तो कहने लगे यूसुफ माज अल्लाह, अल्लाह की पना, ये पाप तो मुझसे नहीं हो सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई, कि उसी बेशक मेरे रब ने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया है। जिस रब ने मुझे ठिकाना दिया, मैं तेरे साथ मिलकर तेरे तकाजे को पूरा करके मैं उस रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। अगर मैंने उसकी नाफरमानी की तो मैं सबसे बड़ा जालिम ठहरा। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अल्लाह जालिमीन को कामयाब नहीं करता। बाज़ मुफस्सिरीन ने इन्नहु की जो जमीर है हा, उसका मर्जा बताया है अजीज मिस्र को, कि इन्नहु रब्बी, बेशक मेरे रब ने, यानी मेरे पालने वाले ने, मजाजी मेरा रब अजीज मिस्र, उसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है, इतना शानदार महल में मुझे रखा है और बेहतरीन मुझे खाना और मेरे लिबास का बंदोबस्त कर रहा है, और मैं उसी की रफीक़े हयात के साथ नमक हम हरामी करूं, मैं उसी की अमानत में खयानत करूं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता है, हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकता हूं। और देखा कि अभी ये बहुत हावी होने लगी है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे। शैतान भी काम करता है। आगे अल्लाह कहते हैं वलकद हम्मत भी, वो औरत तो यूसुफ का पक्का इरादा कर चुकी थी, और यूसुफ भी वहम भी हा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी उस औरत के ख्यालात आने लगे थे, लवला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की बुरहान को न देखते। जैसे कि दो तरह का ख्याल था, औरत को जो ख्याल आया था वो तो गुना था, वो तो ख्याल उसने पैदा किया था और रात दिन का उसका मंसूबा था, वो तो रात दिन की इस कोशिश में थी कि किसी भी तरह यूसुफ से मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख्याल गुजरा था वो गुनाह नहीं था, वो गैर इख्तियारी था, हजरत यूसुफ के बस में नहीं था। जैसे रोजे की हालत होती है और बहुत ज्यादा प्यास का तकाजा हो तो पानी का, ठंडे पानी का ख्याल गुजरता है कि नहीं गुजरता है? ठंडा पानी हमने देखा हो, फ्रिज खुला हुआ हो और एक आदमी ठंडे पानी की बोतल निकाली हो, तो हर एक के दिल में इस तरह का ख्याल गुजरेगा। और ये गैर इख्तियारी है, ये तबीयी चीज है। तो उस औरत में जो ख्याल आया था वो ख्याल तो गुना था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम में जो ख्याल था वो ख्याल गुना नहीं था, वो गैर इख्तियारी था। वो आके चला गया, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की दलील को न देखते। रब की दलील से क्या मुराद है? हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब की दलील से मुराद एक तो ये है कि उन्हें इस बात का एहसास पैदा हो गया कि ये तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह है, ये तो नमक हरामी है। माज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई, इसको बाद में मुफस्सिरीन ने बुरहान रब्बी कहा है कि ये अल्लाह ताला शानहु की दलील उनके सामने आ गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि बुरहान रब्बी से मुराद हजरती याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा हजरत यूसुफ के सामने आ गया था, सूरत मिसाली जिसको कहते हैं। सूरत मिसाली किसको कहते हैं, मैं समझाऊं। जैसे कि एक मैं हूं और मेरी शक्ल सूरत का आप किसी और जगह पर देखें, मैं अभी इस वक्त मस्जिद हलीमा में बैठा हुआ हूं
और मेरी शक्ल और मेरी ही सूरत का आपको कोई दूसरा इंसान आप किस और मस्जिद में देखे, तो इसको कहते हैं कि ये सूरत मिसाली है। हकीकत वाला तो मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मेरे ही तरह का अगर किसी और जगह पर बैठा हुआ हो तो उसको कहते हैं सूरत मिसाली। वो हकीकत नहीं है, हकीकत तो मैं हूं, मैं यहां बैठा हूं, वहां पर मेरी सूरत है, इसको कहते हैं सूरत मिसाली। ख्वाब में भी ऐसा होता है कि एक आदमी ने ख्वाब देखा है और फलाने बुजुर्ग को ख्वाब में देखा है। अब उन बुजुर्ग को भी नहीं मालूम कि उस आदमी ने मुझे ख्वाब में देखा है, इसलिए कि ख्वाब में जो सूरतें आती हैं वो सूरत हकीकत वाली नहीं होती, वो सूरत मिसाली होती है, एक नमूने के तौर पर, एक आइडियल के तौर पर, इसको कहते हैं सूरत मिसाली। सूरत जिले में गांव है तरकेसर, वहां बहुत सालों पहले एक बुजुर्ग गुजरे थे, मूसा जी मेहतर, मियाँ जी मूसा, उनको मूसा जी मेहतर कहते थे। बहुत जबरदस्त अल्लाह वाले थे, साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे, और उनकी करामत छपी है किताब में, करामत मूसविया के नाम से। वहां पर एक करामत लिखी है, हमारे एक टॉपिक से बिल्कुल मुनासिब है वो करामत। हजरत का आम का बाग था और चोरों ने मशवरा किया कि आज तो मूसा जी के खेत में जाएंगे और वहां से आम 5-10 किलो तोड़कर ले जाएंगे। तो जमात थी उनकी चोरों की, तो दो आदमियों को भेजा कि तुम जाओ मूसा जी घर पर है कि कहाँ है वो जरा देख लो। तो दो आदमी गए और घर जाने के बाद देखा कि हाँ मूसा जी वहां बैठे हुए हैं, और एक आदमी वही दूसरे आदमी को भेजा के जाओ तुम जल्दी उन लोगों को खबर दे दो कि मूसा जी यहां बैठे हुए हैं, ताकि वहां आम की चोरी आसान हो जाए। तो एक आदमी तो मूसा जी मेहतर के घर पर बिल्कुल हजरत को देखता रहा कि हाँ हजरत मुराकबे में बैठे हुए हैं, दूसरे आदमी को रवाना किया कि तू जा और वहां उन लोगों को खबर दे दे। वहां पर वो गया और कह दिया कि नहीं मूसा जी तो यहां घर पर बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं। अब ये इन्होंने तो खुशियां मनानी शुरू हुई, कहा कि आप तो माशाल्लाह 10-15 किलो तो निकाल ही लेंगे। अब जब जंगल में गए और बाग में गए तो देखा कि वहां पर भी मूसा जी मेहतर बैठे हुए मुराकबे में। चौंके, कहा उसने गलत कहा कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि घर पर मूसा जी बैठे हुए थे और बाग में देखा कि वहां भी बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं सूरत मिसाली। तो बाग में जो मूसा जी बैठे हुए थे वो हकीकत वाले नहीं थे, अल्लाह ताला जानू ने उनकी शक्ल में एक आदमी को बिठाया था। जो अल्लाह का बन जाता है ना, अल्लाह ताला उसकी सारी चीजों की हिफाजत करता है। ये तो अपने मुराकबे में अपनी इबादत में मगन, और अल्लाह ताला शान हूं दूसरे इंसान को वहां पर खड़ा करके उनके बाग की रखेवाली करवा रहे हैं। तो इसको कहते हैं सूरत मिसाली। ख्वाब में आदमी दोस्तों को देखता है तो दोस्तों को भी नहीं मालूम कि पड़ोस बैठा हुआ है और ये ख्वाब में मुझसे बातें कर रहा है और लेन देन हो रही है, सारी चीजें हो रही है। और ख्वाब से उठने के बाद कहा कि यार तू तो अजीब था यार, आया मेरे पास और मुझसे बराबर बात भी नहीं की। कहा कि यार मुझे क्या मालूम मैं कब तेरे पास आया। कहा ख्वाब में, तो ख्वाब में जो आया था वो हकीकत नहीं थी, वो तो सूरत मिसाली थी, उसको कहते हैं सूरत मिसाली। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत मिसाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ गई और आप उस गुनाह से रुक गए, अल्लाह ताला शानहू ने हिफाजत फरमाई। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं, उनसे छोटा गुना भी नहीं होता और बड़ा गुना भी नहीं होता, नबुवत से पहले भी नहीं होता और नबुवत के बाद भी नहीं होता। ये हमारे जितने भी बड़े बड़े इमाम हैं उन तमाम का इत्तेफाकी फैसला है।
कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छोटा गुना भी नहीं होता, बड़ा भी गुना नहीं होता। वो हर तरह के गुनाहों से अल्लाह ताला शान उनकी हिफाजत फरमाते हैं, वो मासूम होते हैं। कि लौला अर्रा बुरहान रब्बी कذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء का इस तरह हम फेर दिया करते हैं बेहयाई को और बुराई को। किस तरह अल्लाह ताला शानों ने हिफाजत फरमाई। अगर आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहे और अल्लाह ताला शानों से दुआ भी मांगता रहे और कोशिश भी करता रहे तो यकीनन अल्लाह ताला शानों गुनाहों से महफूज रख सकते हैं। तलब होनी चाहिए, गुनाहों से बचने का पक्का आज़्म और इरादा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला शानों के लिए बहुत आसान गुनाहों से बचाना। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों की खासियत कुरान करीम ने बयान फरमाई है, वल्लदीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह, कि जब उनसे भी हयाई का काम हो जाता है या गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो उस वक्त वो अल्लाह को याद करते हैं। वल्लदीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। अल्लाह को याद करके रोने लगते हैं और जब तक उस गुनाह से तौबा नहीं करते हैं तब तक उनको चैन नहीं आता है। अल्लाह मुझसे ये इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, उनकी चाय भी हराम हो जाती है। जब तक अपने रूठे हुए रब को वो मनाते नहीं है तब तक उनकी चाय भी उतरती नहीं, वो चैन ही नहीं आता, न पीने में चैन, न खाने में चैन, न किसी से मिलने में मजा, हर वक्त उनका दिल कूटता रहता है। मुझसे ये पाप हो गया है, ये गुनाह हो गया है, अल्लाह की नाफरमानी मुझसे हो गई। इसलिए गुनाहों पर नदामत और गुनाहों पर एहसास उन्हीं बंदों के दिलों में पैदा होता है जिनका दिल जिंदा होता है। जिक्र से हम अपने दिल को जिंदा रखें, हमेशा तरोताजा रखें। इसलिए हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब माही रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत प्यारा जुमला कहते हैं और मैं उसको हर जगह पर नकल भी करता हूं कि पहले दिल पर मारो अल्लाह के जिक्र का झटका, पहले दिल पर मारो अल्लाह के जिक्र का झटका, फिर होगा दिल में खटका, फिर खटक पैदा होगी कि ये गुनाह नहीं करना चाहिए, ये पाप नहीं होना चाहिए, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। खटक पैदा होगी कि यार ये करो, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हम अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह के नाम का विर्द रखकर अपने दिल में नूरानियत और अपने दिल को जिंदा रखने की कोशिश करें तो गुनाहों से बचना बहुत आसान हो जाएगा। नारे शहवत चे कुशद नूरे खुदा, शहवत की आग जो होती है ना उसको खुदा का नूर बुझाता है। कौन बुझाता है? खुदा का नूर। नारे शहवत चे कुशद नूरे खुदा, शहवत की आपको अल्लाह का नूर बुझाता है। इसलिए जिसके दिल में गलत गलत ख्वाहिशात बहुत उभरती हो, गंदे गंदे ख्यालात आते हो, गंदे गंदे वसाविस आते हो, हर वक्त दिल में गलत गलत सोचें पैदा होती हो, नमाज में भी वही ख्यालात आते रहते हो, हर वक्त गंदी सोचें, तो उन लोगों को चाहिए कि वो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें। ये अल्लाह का जिक्र ये दिल के बुरे ख्यालात को खत्म करके दिल के ख्यालात को पाकीजा बनाएंगे। खूब अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये चौथा कलिमा है, उसका एहतमाम करें तो जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला शानहु आसन फरमाए। इन्नहु मिन इबादिना अल-मुखलसीन, ये यूसुफ तो हमारे मुखलिस और मुखलिस
दोनों किरात हैं। मुखलस यानी हमारे छांटे हुए हैं, चुनिंदा है, मुंतखब है, और मुखलिस के माना इखलास वाले हैं, हमारा हर काम वो अल्लाह के लिए करने वाले हैं, ये है मुखलिस। अल्लाह ताला शानहू ने बचाया, हजरत यूसुफ भागने लगे, मालूम हुआ कि गुनाह का अगर मौका आ जाए तो आदमी को सबसे पहले उस गुनाह की जगह को छोड़ देना चाहिए, ये हिम्मत करनी चाहिए, ये हिम्मत करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला शानहू की मदद आ जाती। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात रखी तो दौड़े, वस्तबकल बाबा, और आगे पीछे दौड़े, हजरत यूसुफ आगे थे और वो जुलैखा पीछे थे, यूसुफ को पकड़ने के लिए दौड़े। किताबों में लिखा है कि ताला लगा हुआ था, ताला भी लगा दिया था ताकि वो बाहर न जाए पाए, लेकिन अल्लाह ताला शानहू जब किसी की हिफाजत फरमाना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत आसान है। तो ये कमरों के दरवाजों के ताले टूटते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहां तक कि मेन गेट तक आ गए और वो भी खुल गया, तो देखा कि पीछे जुलेखा है, आगे यूसुफ है, और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसके शौहर सामने खड़े हैं, लदल बाप। वकद्दत कमीसहु मिन दुबुर, और कुर्ता पीछे से खींचा पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो तेजी के साथ भागने लगे तो पीछे से कुर्ता जो खींचा तो फट गया, और दरवाजा खुला तो सामने सैयदहा लदल बाप, इन दोनों ने दरवाजे के बिल्कुल बिल्कुल सामने अपने शोहर को देख लिया। अजीज मिस्र खड़े हैं, अब देखा कि शोहर सामने खड़े हैं, यूसुफ भी दौड़ता हुआ गया है, और जाकर के शिकायत करे इससे पहले ही कि मैं ही कर दूं उसकी शिकायत, तो पैंतरा बदल करके कहने लगी कि मां जजाऊ मन अराद भी अहली का सुअन, बताओ ए मेरे शोहर, ए अजीज मिस्र, उस आदमी की क्या सजा हो सकती है, उसको तुम क्या सजा दो जो आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता है, उसकी सजा तो यह होनी चाहिए या तो उसको कैद में डाल दो या तो उसको जिस्मानी तकलीफ पहुंचाओ, उनको कोड़े बरसाओ, उन पर जबरदस्त उनकी पिटाई करो ताकि आइंदा आपकी बीवी के बारे में बुरा ख्याल न करे। देखो यह है औरतों का मकर, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। या औरत की एक बात आई तो मैं एक मिसाल से आपको बात समझाओ, जैसे कि आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, आप अकेले हैं, तन्हा, कोई औरत ने आपको कहा कि भाई जरा मुझे बिठा दो, मुझे ले चलो, हरगिज मत बिठाओ। हाँ अगर वो बूढ़ी है, बेचारी चल नहीं सकती है, तो उन पर रहम कर लो, इसलिए कि बूढ़ी औरतों से ये तसव्वुर नहीं हो सकता हम मतलब। लेकिन अगर कोई जवान उम्र अगर लड़की कहे या कोई औरत कहे, भले बड़ी उम्र की हो लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि दीली कशिश की तरफ रहती है, हरगिज हरगिज अपने बाइक के पीछे उसको मत बिठाओ, ये रहम खाने की जरूरत नहीं है। उनको कहो रिक्शाओं का निजाम है, आपको ये किराया दे रहे हैं, आप रिक्शा में बैठकर चली जाओ, बाइक में नहीं बिठा सकता हूँ, प्लीज माफी चाहता हूँ। नहीं बिचारी यार, वो अकेली कैसे जाएगी, मुझ पे रहम आ गया, ये रहम खाने की जरूरत नहीं है। बहुत रहम खाना है तो इतना करो कि पैसे दे दो और कहो कि जाओ अपना सामान तुम खुद कर लो, बात समझे। हमारे एक दोस्त था तो उसने बिचारे ने बाइक पर अपने उस औरत को बिठा दिया, उसको पता नहीं था कि औरत ऐसी है, बिठा दी, और उसने वहां पर उसको उकसाना और पता नहीं कैसे क्या उसने शुरू किया, कब मैंने तो जान छुड़ाई और उसको उतार करके मैं रवाना हो गया। तब से जब उसने मुझे कहा तो मेरे जहन में बात आई कि ये भी कहनी चाहिए कि इस तरह की औरतें होती हैं, क्या मालूम वो केस कर ले कि ये मुझे उठा के ले जा रहा था, हो सकता है। तो पैंतरे बदलने में बहुत माहिर होती है औरतें, तो ये पैंतरे बदल करके कहने लगी कि उस आदमी की क्या सजा हो जो तेरी घरवाली के साथ बुराई का इरादा रखे, ये
यूसुफ तो बेचारे अपने आप को बचाने के चक्कर में थे, और ये है कि उल्टा यूसुफ पर इल्ज़ाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपना हक जाने नहीं दिया और कहा कि ही रावदत नियान नफसी, इसी ने मुझे फुसलाया था, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो बस करके यहाँ आया हूँ। बार ये रावदत नियान नफसी, और अब गवाह भी कोई था नहीं कि जाकर के कोई गवाही दे दे कि नहीं यूसुफ की बात सही है और वो औरत तुम्हारी गलत कह रही है। अल्लाह ताला शानहू ने निजाम बनाया, वो घोड़िए में एक बच्चा, छोटा सा मासूम दूध पीता बच्चा था, तो वो कहने लगा वशहीद शाहिदुम मिन अहलेहा, और उसी औरत के घर वालों में से एक छोटे से मासूम से बच्चे ने शहादत दी कि यूसुफ अपनी बात में सच्चे हैं। कहा अगर सच्चाई को देखना है तो तदबीर भी बताई कि आप देखो इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कबूलिन, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो समझो फसदकत, वो औरत सच्ची है, वह मिनल कादिबीन, यूसुफ झूठे हैं। और अगर व इनकान कमीसुहु कुद्द मिन दुबूरिन, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो ये अलामत है कि फकदबत वह मिन सादिकीन, वो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। चुनांचे अब बताइए, तदबीर भी बताई कि सच और झूठ को पकड़ने का क्या रास्ता है। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जबरदस्त मौजिज़ा था जो जाहिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले बनी इसराइल में एक आबिद था जुरेज नामी, जबरदस्त इबादत गुजार था। एक मरतबा वो नमाज मशगूल होंगे और उनकी वालिदा ने उनको बुलाया, तो वो आगे पीछे होने लगे कि भाई मैं नमाज तोड़ू और वालिदा के पास जाऊं या नमाज पूरी करके जाऊं। अभी इधर कश्मकश में ही थे कि क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, और इतने में उसकी वालिदा की जबान से ये लानत या अल्फाज निकले कि जुरेज तुम्हारी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम किसी जानिया का चेहरा ना देख लो। बस बद्दुआ निकल गई। इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार अपने जमाने के किताब तौरात के जबरदस्त माहिर आलिम दीन, और हमेशा अजनबी औरतों से अपनी नजरों की हिफाजत करने वाला जबरदस्त इंसान। हासिदीन तो होते ही अल्लाह वालों के, दुश्मन तो हर जमाने में होते हैं, उस जमाने में दुश्मन थे इनके। तो कुछ लोगों ने एक औरत को उकसाया और कहा कि हम तुझे इतने रुपये देंगे तो जुरेज पर तोहमत लगा कि उसने मेरे साथ गलतकारी की। चुनांचे उसने तोहमत की, तोहमत लगाई जुरेज पर और कहा कि जुरेज ने मुझसे गलतकारी की जिसके नतीजे में बच्चा पैदा हुआ है। तो लोग तो गए और गुस्से के मारे के गिरजाघर को तोड़ दिया, जो इबादत खाना था हजरत जुरेज जहां पर इबादत करते थे उसको भी तोड़ दिया, और बहुत बदसुलूकी उनके साथ पेश, बदसुलूकी के साथ उनके साथ मामला हुआ। हजरत जुरेज कहने लगे कि उस खातून को बुलाओ और उस लड़के को बुलाओ। उस लड़के को हाजिर किया गया और लड़के से पूछा गहवारा है बच्चा क्या बोलेगा, लड़के से कहा कि बता तेरा अब्बा कौन है, तो उस लड़के ने कहा कि मेरा अब्बा फलाना चरवाहा। ये दूसरा लड़का के जिसने हजरत जुरेद के बाद में पाक दामनी की शहादत दी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इस लड़के ने पाक दामनी की शहादत दी और सबूत के साथ और दलील के साथ कहा कि देखो कुर्ता कहां से फटा है, अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची, पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चे है। फलम मारा कमीस हो, जब कमीज को देखा तो कुद्द मिन दुबूर, वो तो पीछे से फटा हुआ था, तो अजीज मिस्र समझने लगे और कहने लगे कि इन्नहु मिन कैदिकुन्न, ये तुम्हारा मकर है, ये तुम औरतों का मकर है। इन्न कैदिकुन्न अजीम, और बिला शुबा औरतों का मकर, तुम औरतों का मकर तो बहुत बड़ा होता है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि यूसुफ आरिदा नहा था, इसको छोड़ दो, अब ये तस्कीरा मत करना, किसी से मत कहना, बस इसको अब यहां पर छोड़ दो, इसलिए कि इज्जत का सवाल था।
और थे भी वक्त के बहुत बड़े बादशाह और उनकी घरवाली, तो नामुस का ही मसला होता है, इज्जत का मसला होता है, तो कहा आरिदान हादा वस्तगफिरी लिज़म्बी की, और अपनी बीवी से कहा कि तू माफी तलब कर और अपने गुनाहों से माफी मांग, इन्नकी कुंत मिनल खातीन, यकीनन तू ही कसूरवार है, ये तेरी ही गलतियां है, तूने ही यूसुफ को बहकाया और फुसलाया था। बहरहाल इन तमाम आयात से हमें ये सबक मिलता है कि हम जिस कदर हो अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें और हिम्मत और हौसले से काम लें तो यकीनन अल्लाह ताला शान की मदद उतरती है। इसलिए कि आज सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम हिम्मत हार जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं गुनाह के सामने, लेकिन जब हिम्मत से काम ले, हौसले से काम ले कि कुछ भी हो जाए, जान चली जाए लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, तो फिर अल्लाह ताला शानू की मदद भी उतरती है और अल्लाह ताला शानू फिर हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए गुनाहों की लत पड़ी हुई हो और बरसों से गुनाह की आदत बनी हुई होती है और गुनाह छोड़ने का दाइया भी होता है लेकिन नफ्स और शैतान हावी होकर के उस गुनाह में मुब्तला कर देते हैं, तो उस गुनाहों से छुटकारे का ये एक अमल ये है कि हम कसरत के साथ जिस कदर हो हम अल्लाह ताला शान का जिक्र करें, और ये दुआ है अल्लाहुम्मरहमनी बितरकिल माआसी अबदम मा अबकैतनी, ए अल्लाह गुनाह छुड़वा कर हम पर रहम फरमाइए जब तक आप हमें इस दुनिया में बाकी रखें। इस दुआ का कसरत के साथ एहतमाम करें, दुरूद पाक का ख़ास एहतमाम करें, दुरूद पाक की बरकत से भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी से गुनाह छटते चले जाएंगे और एक हुजूर से एक इश्क और मोहब्बत का रिश्ता हमारा कायम हो जाएगा, अपने परवरदिगार आलम से एक रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ताला शान हूँ हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।